नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सुजीता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर चरखारी व्यापार मंडल द्वारा सहस्त्र श्री गोवर्धन नाथ जी के मेले के संदर्भ में मोहन राम जी की धर्मशाला में एक प्रेस वार्ता करते हुए नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष आनंद स्वरूप दमेले द्वारा बताया गया कि सहस्त्र श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज का मेला चरखारी नगर का स्टेट काल से ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक महत्व की परंपरा विगत 137 वर्षों से चली आ रही है, जो कोविड काल में भी सूक्ष्म रूप से संपन्न की गई थी, परंतु इस वर्ष इस धार्मिक महत्व के मेले के आयोजन पर संशय की स्थिति की वजह से धार्मिक मेले की परंपरा की टूटने की स्थितियां नजर आ रही हैं, जिससे नगर व्यापार मंडल एवं नगर के संभ्रांत एवं बुद्धिजीवियों में आक्रोश पनप रहा है, जिसको समय रहते व्यापार मंडल द्वारा समस्त प्रशासनिक राजनीतिक व्यापारिक पटलों पर रखकर सभी से मेले के आयोजन के लिए सहयोग मांगा गया है। मेले के संदर्भ में भी सभी के द्वारा सकारात्मक सहयोग मिला। भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सेंगर ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए समस्त प्रशासनिक अधिकारियों से मेले के ऐतिहासिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को बताते हुए नगर की रियासत कालीन परंपरा के आयोजन का मार्ग प्रशस्त कराया और अब मेले के आयोजन के समस्त संशय समाप्त हो गए और अब मेला 5 नवंबर से प्रारंभ होकर 5 दिसंबर तक विगत वर्षों की भांति संपन्न कराया जाएगा। नगर व्यापार मंडल की प्रेस वार्ता में व्यापार मंडल अध्यक्ष आनंद स्वरूप दमेले, आलोक खरे, महामंत्री कैलाश ताम्रकर, दीपक गुरुदेव, प्रदीप अंसारी, सईद सौदागर, राहुल बडौनिया एवं नगर व्यापार मंडल के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। चरखारी से जुगल किशोर द्विवेदी की रिपोर्ट। आनंद स्वरूप दमेले, इस संबंध में बैठक बुलाई गई है। ये जो हमारे यहाँ मेले की मेला लगता है श्री गोवर्धननाथ जी का, उसको लेकर के जो भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी वो अब साफ हो गई है। मेला हमारा 5 नवंबर से प्रारंभ होकर के 5 दिसंबर तक चलेगा और इसमें हमारा ये मेला आज का नहीं है, 138वां मेला है, ये 138वां वर्ष है इसका। और इसको लेकर के जो कुछ लोगों के द्वारा गलत फहमियाँ फैलाई जा रही थी, उसके लिए ये निश्चित था कि हम लोगों के लिए व्यापारी वर्ग के लिए मेले का एक अलग से महत्व होता है, तो उसके लिए भ्रम की स्थिति दूर करना हम लोगों के लिए आवश्यक था और उस संबंध में जो भी शंकाएँ लोगों की थी वो सही थी। मेले के आयोजन को लेकर के कुछ संकट थे, लेकिन वो व्यापार मंडल ने एक मुहिम चलाई और उस मुहिम में व्यापार मंडल को सभी लोगों का, अपने सत्ता पक्ष का, अपने विपक्षियों का भी, किसान यूनियन का और पत्रकारों का जिस तरह से सहयोग मिला, उस सहयोग से ये संभव हो पाया कि हमारे मेले की परंपरा कायम रह सके, ये सुनिश्चित हुआ। धन्यवाद। फिर क्या नाम है आपका? कैलाश चंद ताम्रकार, महामंत्री व्यापार मंडल चरखारी। जैसा कि मेले को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी थी, अब पूरी तरीके से साफ हो गए, किस तरीके का मेला आयोजन हो रहा है और व्यापारियों का क्या संघर्ष रहा है? सबसे पहले मैं अभी आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूं, जो कि आप लोगों ने मेले की खबर गुरु प्राथमिकता से दिखाई, हर अखबार चैनल में आया इसका, हमारी चरखारी की मेले की जो खबर आप लोगों ने दिखाई है उसकी वजह से आज हमारा मेला लगने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे व्यापारियों को दिक्कत हो रही थी, वो हम लोग जानकारी ले रहे थे, हम लोग जानकारी दे नहीं पा रहे थे सही से, उसमें थोड़ा सा हम लोगों को जैसा लग रहा था कि नगर पालिका की हिला हवाली थी, क्योंकि हर साल जैसे हम लोग जानते हैं कि हर साल जो मेला लगता है उसकी बोर्ड की बैठक होती है, वो किन्हीं कारणों से नहीं हुई थी। तो हम लोगों ने पहले सबसे पहले नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन दिया, ज्ञापन देने के बाद फिर इस मुहिम में हम लोग लगे। इसमें हमको हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री जितेंद्र सेंगर जी ने इसमें पूरी मदद की और जिस तरह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की व्यापारी के एक माहौल लगी रहती है, उस तरह उन्होंने पूरा हम लोगों का सहयोग किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जिस तरह योगी और मोदी जी की परंपरा है कि कोई भी धार्मिक आयोजन जो इतने सालों से चल रहे हैं वो टूटे ना, अनवरत चलती रहे, तो उनका मैं हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष को एक ज्ञापन चाहिए, चाहे मौखिक हम लोगों ने कहा था कि चरखारी में एक लेबर चौक की व्यवस्था और करिए, जिसमें नगर के लोगों को लाभ मिलेगा, लेबर को लाभ मिलेगा, एक जगह एक थोड़ा एक लेबर चौक का उद्घाटन करें। मैं माननीय जिला अध्यक्ष
जी से भी कहना चाहता हूँ कि उसमें आप नगर पालिका से कह के या अध्यक्ष जी से कह के एक लेबर चौक का उद्घाटन करें, जिसमें लेबर को भी परेशानी ना होगी। जैसे हमको लेबर चाहिए तो लेबर नहीं मिल पाती है, उनको काम नहीं मिल पाता, एक जगह रहेंगे तो इससे एक चरखारी में एक इससे चरखारी वालों को भी फायदा होगा, लेबर को भी फायदा होगा। और मैं आप सभी का पत्रकार बंधुओं का हार्दिक बंधन एवं स्वागत करता हूँ। मैं दीपक गुरुदेव नाम है मेरा। सर, क्या महत्व है चरखारी के मेला का, क्या इतिहास है? चरखारी का मेला 137 वर्षों से लग रहा है। राजा मलखान सिंह जी द्वारा इसको संचालित किया जाता था वर्तमान रियासत में। इसके बाद जब रियासत ख़त्म हुई, इसके उपरांत जो है नगर पालिका ने इसकी जिम्मेदारी संभाली, तब से नगर पालिका ही इसका प्रबंध और मेले की पूरी संपूर्ण जिम्मेदारी निभाती चली आ रही है। मेला हमारा ऐतिहासिक है। भगवान कृष्ण और राधिका की झांकी जो वृंदावन के रूप में यहाँ पे बनाई जाती है, उसको पूरे बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड स्तर का ये मेला है। देशी रियासत कालीन जब व्यवस्था थी तब यहाँ दूर दराज से, मतलब दूर दराज तो बुंदेलखंड के अलावा, यहाँ पे दुकानें जो हैं बम्बई और कलकत्ता से भी आती थी, सोने चांदी की दुकानें भी आती थी कलकत्ता से, बम्बई से, और जो उनका ज्वेलरी का आइटम बच जाता था वो महाराज के खजाने में जमा हो जाता था और खजाने से उनको उत्ता मुद्रा अदा कर दी जाती थी, जिससे वो निरंतर इस व्यवस्था में सम्मिलित रहे। आज भी जो व्यवस्थाएं हैं वो इसी टाइप की व्यवस्थाएं हैं और संचालित हो रही हैं। नगर पालिका उसको काफ़ी अच्छे स्तर से लगाता है। अभी 3 वर्ष पहले जब हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आकर उनने उद्घाटन किया था मेले का, तब से चूँकि पिछले साल कोरोना का काल था, इस वजह से मेले में थोड़ी सी व्यवधान पैदा हुआ, और इस वर्ष जो व्यवधान नगर पालिका के द्वारा या शासन के द्वारा आ रहा था, तो हमने हमारे व्यापार मंडल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी होने के नाते मैं और नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमान जिलाधिकारी से मिलकर वो सभी कठिनाइयों को दूर किया और जो व्यवस्थाएं पहले पूर्व में संचालित थी उसी तरीके से आज भी इस मेले को 1 माह का पूरा करने का डीएम साहब ने अनुमति दी, और आज नगर पालिका परिषद उसकी सारी जिम्मेदारी, सारी व्यवस्थाएं बखूबी निभा रही है और हमारा व्यापारी इससे बड़ा खुश है। और हम समय समय पे जो भी ऐसी कठिनाई, समाज की जो कठिनाई होती हैं, हम व्यापार मंडल के माध्यम से, पार्टी के नाते के माध्यम से हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। यही सब व्यवस्थाएं जो हैं, हम चाहेंगे कि जो भी व्यवस्थाएं यहाँ पे नगर पालिका द्वारा की जा रही हैं वो अच्छी हों, हमारे व्यापारी सारे खुश रहें, अच्छे हों, फले फूलें, यही हमारी कामना है।